ये फिल्मों में होता है। चट साहब फाड़ दीजिए कानून की जवाब है। चट गांड फाड़ देगा, इस वीडियो में दिखाया गया कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। ऐसे लोग हमारे ही समाज में हमारे ही बीच रहते हैं। ये वही लोग हैं जो आगे जाके इंजीनियर्स बनते हैं। 2 hours later. बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है। 2 hours later. बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी तुम सबसे जाग। कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है, बचना हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपने आयन से जुदा। Hello everyone, just a quick recap of the Q-Cup's current असाइनमेंट के आने पर यह जनजाति तीन मुख्य खेमों में बढ़ती नज़र आती है। पहला खेमा, इस खेमे के लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये असाइनमेंट ज़रूर करेंगे। दूसरा खेमा, इनसे सतर्क रहें, ये हाथों में फ़ोन लिए शिकार की तलाश में व्हाट्सएप टेलीग्राम और ना जाने कहां कहां निकल जाते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। फिर आता है तीसरा खेमा, इनसे आप खुद ही मिले। हेलो आर्यन, कैसा है भाई? भाई मैं ठीक हूँ। अच्छा, ईवी का असाइनमेंट आया, देखा क्या तू? हाँ यार देखा तो है। तो तू कर रहा है असाइनमेंट? हाँ यार करना तो पड़ेगा, क्यों तू नहीं कर रहा क्या? अरे नहीं यार समझ, देख मैं क्या बोल रहा था कि हमारा टोटल कोर्स कितने क्रेडिट का? ईवी का एक क्रेडिट है ना, और उसमें 10 असाइनमेंट है, और असाइनमेंट की वेटेज भी मतलब असाइनमेंट की वेटेज 40% है, तो एक असाइनमेंट का वेटेज 0.04 हुआ टोटल कोर्स में, ठीक है। अब 0.04 के लिए तो पूरा 6 घंटा खराब करेगा, ये अच्छा बात है भाई बता? उससे अच्छा तो मैथ्स कर लेते, कुछ और काम कर लेते। तो मैं तो बोलता हूँ छोड़ दे, इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या तो सही रहा है। हाँ तो ठीक है, चल छोड़ते हैं फिर असाइनमेंट, ठीक है? ठीक है चल, तो मैथ्स वाली वो छाप लेते हैं किधर से। मैथ्स का आंसर भेज दिया। ओके ओके चल। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इन प्राणियों में ये दोष जन्मजात नहीं है। कुछ दिन पहले एक घटना घटी जो इनके दिमाग पर गहरा असर छोड़ गई।
आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। फिर जो नहीं होना था वही हुआ, लोगों की घर वापसी हुई और पढ़ाई बंद। निर्णय लिया है कि इन दोनों परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये समाचार उनके लिए खुशी की बाढ़ लेकर आ गई। आखिर कब तक परीक्षा भी स्थगित होता, फिर वो दिन आ ही गया जब परीक्षा हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं राजा रवीश कुमार। आज जे एडवांस की परीक्षा समाप्त हुई है, तो बच्चों से जानते हैं कैसा रहा उनका पेपर। आपका नाम? वेद प्रकाश चौधरी। आपकी कैसी गई जे एडवांस की परीक्षा? सर पेपर बहुत टफ था, बहुत खराब चला गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी तैयारी में कहीं कमी रह गई है? आपने ज्यादा बाप बनने की कोशिश नहीं कीजिए, मेरा बाप हमसे पूछता ही नहीं है इसे। आप कौन होते हैं पूछने वाले? अपने बाप से थी बाप का नाम। ये एडवांस कैसा गया? मत पूछो यार। आज एडवांस का एग्जाम था वारिनवा का, पता नहीं कैसे मेंस निकाल लिया। एडवांस सही हुआ होगा, 6 घंटा इंस्टा, 2 घंटा यूट्यूब चलाता है लौंडा। माँ बाप को बेवकूफ बना सकता है, हमको नहीं। इंस्टा पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजे थे, सोचा चाची फॉलो करेगी, एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन देखे थे छोड़ी के साथ, का नाम था, अरे शिल्पी, शिल्पी के साथ गुपचुप खा रहा। अरे गुपचुप खाने से किसी छोड़ी के साथ कभी जे ही निकला है क्या? मम्मी पापा का भरोसा तोड़बे करेगा वो लौंडा। अरे हमारा लौंडा होता हम तो जहर खिला के मार दिए होते। 2 hours later कॉल कर देते, पूछते हैं रिजल्ट। A few moments later. हेलो नमस्ते चाची, पाए लागू। हेलो बेटा, हेलो हेलो। अच्छा बेटा कैसे हो बेटा? चाची ठीक हूँ। अच्छा बेटा, सुनने में आया कि एडवांस का एग्जाम था तुम्हारा, तो कैसा रहा बेटा? हाँ चाची, एग्जाम तो था, मतलब खास अच्छा नहीं गया, काफी क्वेश्चन नहीं बने और मतलब अच्छा नहीं गया, इतना मुश्किल होगा सिलेक्शन। अच्छा, कोई भी बेटा होते रहता है, इससे तो इतना सोचना नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ चाची। अच्छा चाची, मामा का कॉल आ रहा है, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ। हाँ हाँ बेटा, कोई नहीं कोई नहीं, आराम से बात करना, चलो ओके। अब हमसे नजरों मिला पाएगा? कभी नहीं मिला पाएगा। हेलो नमस्ते चाची, पाए लागू। हाँ बेटा, बहुत बहुत खुश रहो बेटा। ओ बेटा सब बढ़िया, कैसे हो? अच्छा सुन, रिजल्ट आ गया तुम्हारा? हाँ चाची रिजल्ट आ गया। अरे बेटा कोई बात नहीं, दुखी होने वाला कोई बात नहीं है यार, अगली बार हो जाएगा, है कि नहीं? चिंता नहीं करना, ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना तुम, समझ रहे हो बात को? अरे चाची मेरा हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया चाची। है क्या का बेटा? अरे चाची मेरा सिलेक्शन हो गया, चाची सिलेक्शन हो गया आपके आशीर्वाद की वजह से। हाँ चाची हो गया बेटा। अरे हाँ चाची, गजब बेटा, बहुत बहुत खुश रहो बेटा, कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू चाची। अच्छा बेटा, हमको कुछ काम आया हुआ है, हम जा रहे हैं। ठीक है चाची। हाँ चलो ठीक है चाची, चलो ठीक है चाची, बाय। अरे रिजल्ट आ गया उसका, हाँ क्लियर हो गया भाई। अरे हमको प्रणाम किया था ना वो दिन, अरे वो वाला दिन याद है आपको? हाँ वही वाला, तो हमको पैर छू के प्रणाम किया था, ही उसका निकल गया ना, तो माय बाप का करंट इतना अच्छा था ना था, ये बात वो भी जानता है, इसलिए सबसे पहले हमको फोन किया। परिणाम के बाद इस जनजाति में हर्षोल्लास का माहौल देखा गया, क्योंकि ये अब अपने जैसों के बीच जाने वाले थे, लेकिन प्रकृति को ये भी मंजूर नहीं था। फिलहाल इनकी मुलाकात तो ऑनलाइन तक सीमित है, पर बकचोदी नहीं, ये सपना संजोए बैठे हैं एक दूसरे से मिलने का,
देखते हैं इनकी इच्छा कब पूरी होती है। ऐसे ही रोमांचक किस्सों के साथ मिलते हैं कॉलेज में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।